नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 5G SE वर्सेस Tecno Camon 19 Pro Mondrian का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9 5G SE में 6.47 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 9 5G SE में 2.98 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 9 5G SE से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो 9 5G SE में 199 ग्राम जबकि 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 9 5G SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9 5G SE में 6.6 इंचेस जबकि 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9 5G SE में 1080x2412 और 19 Pro Mondrian में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9 5G SE में 84.39% जबकि 19 Pro Mondrian में 88.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9 5G SE में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9 5G SE में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 19 Pro Mondrian की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9 5G SE में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 19 Pro Mondrian की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9 5G SE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 19 Pro Mondrian में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9 5G SE में Adreno 642L जबकि 19 Pro Mondrian में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9 5G SE में Qualcomm Snapdragon 778G और 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि 19 Pro Mondrian में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 19 Pro Mondrian में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 9 5G SE में अप टू 1TB जबकि 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 9 5G SE में Android V11 जबकि 19 Pro Mondrian में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 9 5G SE में 2 कलर्स जबकि 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 95 GSE में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹22,999 में मिलता है। और बात करें 19 प्रो मॉन्ड्रियान की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 9 5GSE में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Tecno Camon 19 Pro Mondrian की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 Pro Mondrian आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 5GSE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 2 Lite 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 11S है, तीसरा Vivo T144W है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।